जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हम टॉपिक देखेंगे बेस्ट बुक्स फॉर एनडीए। एनडीए के लिए अगर हम बेस्ट बुक्स की बात करें तो इसके अंदर हम आज सारी बुक्स को देखेंगे जो जो आपके लिए एनडीए के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। इससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू अगेन कि दून ऑफिसर्स अकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। एंड आप बोर्ड पर दिए हुए नंबर, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेस्ट बुक्स फॉर एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज आती है, जैसे आप सबको पता है एनडीए का एग्जाम दो पेपर आपके इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहला मैथ्स का पेपर होगा एंड सेकेंड आपका गैट का पेपर होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये दो पेपर आपके पास होंगे। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर मैथ्स के पेपर की बात करते हैं, तो मैथ्स के अंदर आपके लिए कौन कौन से जो बुक्स है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले बेटा आप देखिए एनसीईआरटी तो जो आपका क्या है बेस है, ये आपको पकड़कर चलना है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं क्लास 11th और क्लास 12th की, तो क्लास 11th प्लस क्लास 12th की एनसीईआरटी आप इनको कर सकते हैं। ये काफी आपके लिए मददगार होगी, काफी हेल्पफुल होगी एज फार एज योर एनडीए एग्जाम इज कंसर्न। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो एनडीए के लिए आप जो है आरएस अग्रवाल की जो बुक है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें आरएस अग्रवाल की बुक को भी रेफर कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बुक है। ओके, सो आरएस अग्रवाल की बुक आप यहां पे कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए अगर आप ये दोनों बुक्स को रेफर करते हैं तो आई यू नो पर्सनली बिलीव कि आपका काफी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इससे। दूसरा हम बात करते हैं दूसरा पेपर जो आपका गैट का पेपर है। गैट के पेपर के अंदर आप सबको पता है काफी चीजें आती हैं, इंग्लिश आती है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल साइंस आती है आपका, जीके का पोर्शन आता है, जीएस का पोर्शन आता है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको मैथ्स का बता दिया है। दूसरा अगर हम देखते हैं आपका फिजिक्स के लिए, राइट, हम देखते हैं आपका फिजिक्स के लिए एंड इसी के साथ साथ अगर हम केमिस्ट्री के लिए भी देखें, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर हम एक साथ देखते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी अगेन, यस एनसीईआरटी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी एग्जाम हो, मैं केवल यहाँ पे एनडीए की यू नो एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो आपकी एनसीईआरटी आपका बेस है या आपका बेस क्लियर करती है। तो एनसीईआरटी इसमें भी आपका क्लास 11th प्लस क्लास 12th की एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो आपके एनसीईआरटी यू नो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स आते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी आपके एग्जाम्पल्स आता है फिजिक्स हो गया या आपका जो केमिस्ट्री हो गया, तो ये भी आपको काफी हेल्पफुल होने यू नो होने वाले हैं। ये जो आपका एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी का, ये आपके पास काफी अच्छा होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके क्विक रिविजन के लिए। तो आई होप आपको यू नो ये पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपको बुक्स को यहाँ पे पढ़ना है, कैसे कैसे बुक्स को आपको देखना है। ठीक है, तो मैथ्स का हमने देख लिया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद हम गैट के पेपर के अंदर ही आपका आने वाले इंग्लिश की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका पेपर रहने वाला है। तो इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ, पर्सनली बुक जो मैं आपका प्रेफर करता हूँ वो मैं एस पी बख्शी जो आपके क्या राइटर है इंग्लिश बुक के, तो इंग्लिश एस पी बख्शी के वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। एस पी बख्शी की जो आपकी बुक है ना ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो आपकी उनकी आती है, तो एस पी बख्शी के जो आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक आती है इसको आप रेफर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। तो ये आपको काफी अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है ये, इसको आप एक बार खरीद के देखना, अरिहंत पब्लिकेशन की है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ये आपकी अरिहंत पब्लिकेशन आपका है, तो अरिहंत पब्लिकेशन से ये बुक है आपकी। तो एस पी बख्शी काफी अच्छी बुक है, तो इसको आप एक बार रेफर कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश में ही दूसरी बुक की आपको बात करूं तो आपकी रेनन मार्टिन काफी अच्छी बुक है, रेनन मार्टिन की जो बुक आती है आपकी, ठीक है, रेनन जो आपकी मार्टिन की बुक आती है ये भी आपको काफी हेल्पफुल इसके अंदर हो सकती है। तो ये हमने देखा अभी तक मैथ्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं, काफी अच्छी बुक्स है। देन आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया और देन आपके पास इंग्लिश हो गया।
ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं आपका जीएस के अंदर, इसके बाद हम जीएस के अंदर आते हैं, पहले हम जनरल साइंस के बारे में देखते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद हम जनरल साइंस के बारे में देखते हैं कि जनरल साइंस के लिए आप मेनली कौन सी बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल साइंस की बात करें या आप जीएस पोर्शन की बात करते हैं तो उनके लिए मैं मेनली एक ही बुक को रेफर करूंगा, मेनली दो बुक को रेफर करूंगा, बट ये आपका आपको दोनों बुक्स में से एक ही बुक को लेना है। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूंगा, इसके अंदर जनरल साइंस अगर हम देखते हैं तो जनरल साइंस के अंदर, या अगर मैं आपको जनरल स्टडीज की भी यहां पे करता हूं बात करता हूं, तो जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो मैं आपको दो बुक्स आपका यहां पे सजेस्ट करूंगा। या तो आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है आपकी ल्यूसेंट पब्लिकेशन, ठीक है, या आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक जो आपकी जीएस की बुक होती है, हैंडबुक जिसको हम बोलते हैं, या तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो बुक है। देखिए ल्यूसेंट पब्लिकेशन जो है इनके जो मेन राइटर हैं आपके, उनका नाम है संजीव कुमार, तो आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन को, या देखो ये दोनों बुक नहीं लेनी है, आप इन दोनों बुक्स में से एक बुक को रेफर कर सकते हैं। या तो आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन लीजिए या तो आप अरिहंत पब्लिकेशन को ले सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन जो आपकी बुक है इसको आपका लिखते हैं कौन, तरुण गोयल, तो इनमें से आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम जनरल स्टडीज की यहाँ पे बात करते हैं तो जनरल स्टडीज के लिए भी मैं सेम बुक आपका ल्यूसेंट पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन को मैं यहाँ पर आपका रिकमेंड करूंगा। देखिए जनरल स्टडीज के अंदर मेनली क्या क्या आता है, जनरल स्टडीज के अंदर मेनली इसके अंदर आपका आएगा हिस्ट्री का पोर्शन आएगा, इसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी का पोर्शन आएगा, इसके अंदर आपका ज्योग्राफी का पोर्शन आएगा, ठीक है, इसके अंदर आपका ज्योग्राफी का पोर्शन आएगा, एंड प्लस इसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स। अब देखिए बेटा इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो इकोनॉमिक्स का आपको पता है एनडीए के अंदर इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, नहीं काफी दो चार टॉपिक इसके अंदर है, तो आपको इकोनॉमिक्स इस बुक इनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, इससे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। इसमें से आपको जो मेजर ध्यान देना है वो आप ध्यान देंगे किसके, हिस्ट्री के ऊपर, और आप ध्यान देंगे किसके ऊपर, पॉलिटी के ऊपर। तो ये हिस्ट्री और पॉलिटी का जो पोर्शन है आप इस बुक से अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ज्योग्राफी तो ऑफकोर्स आप ज्योग्राफी भी इस बुक से कवर, इन दोनों में से किसी भी एक बुक से कवर कर सकते हैं। या अगर मैं पर्सनली बोलूं तो आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी आती है, दो बुक्स आती है उसके अंदर, एक आपका मेनली इंडियन ज्योग्राफी की बुक होती है और एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक है, तो ये दोनों बुक्स को आपको पढ़ना है। तो क्लास 11th जो ह्यूमैनिटीज जो सेक्शन होता है, ह्यूमैनिटीज का जो पोर्शन होता है, स्ट्रीम होती है, तो ह्यूमैनिटीज के अंदर आपका क्लास 11th में ज्योग्राफी की दो बुक्स है, एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी वाली है और एक आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली है, तो उन दोनों बुक्स को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो काफी अच्छी बुक्स है, काफी सारे क्वेश्चंस आपको एनडीए के अंदर ज्योग्राफी से उन्हीं बुक से देखने को मिल जाएगा। तो मैं ज्योग्राफी के लिए स्पेशली अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं इन बुक से ज्यादा आपका एनसीईआरटी को रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास 11 की बोथ ऑफ द ज्योग्राफी बोथ दोनों बुक्स आपकी है उसके अंदर, इंडियन ज्योग्राफी भी उसके अंदर आएगी और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसके अंदर पूरी कवर हो जाएगी, तो आप ज्योग्राफी के लिए उसको कर सकते हैं। लास्ट आपका बचता है बेटा इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मेनली आपका जो है करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको, तो आपका ये कवर हो जाएगा, क्योंकि मेनली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से रिलेट होकर के आते हैं, जो भी टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स के अंदर है वो आपका करंट अफेयर्स से रिलेट होकर के आएंगे, तो आपका इकोनॉमिक्स करंट अफेयर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे हम आपकी बुक लिस्ट कि कैसे कैसी क्या क्या आपकी बुक लिस्ट में है। अब क्वेश्चन आता है कि एट लास्ट आपका जो करंट अफेयर्स जो मैंने लिखा है कि तो करंट अफेयर्स हम किस बुक से पढ़ें। देखिए मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास भरमार है, अ लॉट ऑफ बुक्स आर देयर, काफी सारी बुक्स आपको वहां पर दिखेंगे,
लेकिन जो अगर मैं आपको बुक बताऊं तो एक बुक देखिए, एक मैं अगर एक बुक बताऊं तो वो जो बुक है वो काफी ही अच्छी बुक है, लेकिन वो बुक आपका एनडीए प्लस काफी हाई लेवल को आपका जो टच करेगी। ठीक है, उस बुक का नाम है आपका, अगर मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप ये पूरा आप सबको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी बुकें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं केवल और केवल करंट अफेयर्स की बात करता हूँ तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी बुक आपको आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखिए बेटा, करंट अफेयर्स के लिए काफी सारे बुकें जो है ना आपका मार्केट में है, काफी सारे बुकें हैं, बहुत सारी बुकों का भरमार है। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूं बेटा, मैं प्रेफर करता हूं एक आपका होता है सिविल सर्विस क्रॉनिकल, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, CSE, CSC करके ये बुक आती है आपकी, सिविल सर्विस क्रॉनिकल करके बुक आती है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक, काफी अच्छी बुक है और आपका काफी हाई लेवल के एग्जाम तक को ये इसके अंदर का जो पोर्शन है ये कवर करता है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बोलूं तो प्रतियोगिता दर्पण, आपका प्रतियोगिता दर्पण करके, प्रतियोगिता दर्पण करके आपका जो है करंट अफेयर्स के लिए बुक्स आती हैं, बुक आती है सॉरी, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। सारी बुक नहीं लेनी है, इनमें से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। तीसरा ऑफ कोर्स गूगल नेट, इंटरनेट। देखिए आपको गूगल के अंदर आपको काफी सारा करंट अफेयर्स का आपको मटेरियल मिल जाएगा। आप गूगल में जाइए, आप कोई भी आप करंट अफेयर्स आप सिंपल ये डालिए कि मुझे जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स चाहिए, या फेब्रुअरी या मार्च किसी भी मंथ का अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो आप डालिए गूगल के अंदर, तो आपके पास काफी सारी साइट्स उसके अंदर खुल जाएंगे। तो जो भी आपको लगेगा कि हाँ आप इस साइट को पढ़ सकते हो, उस साइट को आप फॉलो कीजिए। तो ये करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या तो आप सिविल सर्विस क्रॉनिकल्स यहाँ पे आप क्रॉनिकल लें CSE, या तो यू कैन गो फॉर प्रतियोगिता दर्पण, और एट लास्ट आपका गूगल। दिस इज आई थिंक मेरे हिसाब से दिस इज मस्ट, ये आपका मस्ट होना चाहिए, ये आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये आपकी थी बुक लिस्ट, आई होप ये वीडियो सबको समझ में आई होगी, आई होप ये बुक्स जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं ये आपको हेल्प करेगी, ऑफ कोर्स हेल्प करेगी। एंड आज हम इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।